बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एड्रेनर्जिक फार्माकोलॉजी। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी को कवर कर लिया था। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, फिर हमने कोलिनर्जिक फार्माकोलॉजी को कवर किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं एड्रेनर्जिक फार्माकोलॉजी को। तो जिस तरह कोलिनर्जिक फार्माकोलॉजी के अंदर हमने सबसे पहले एक कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल को पढ़ा था, तो आप एड्रेनर्जिक फार्माकोलॉजी में भी हम इसी को स्टार्ट करेंगे। एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस होती है, स्टोरेज किस तरह से होती है, रिलीज किस तरह से होती है, और फिर इस नर्व टर्मिनल के ऊपर कौन कौन सी ड्रग्स जाके बाइंड करती है और इनके एक्शन को एंटागोनाइज कर देती है। ओके, तो सबसे पहले टायरोसिन है। टायरोसिन को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करके आपने नर्व एंडिंग के अंदर एकोमुलेट करवा लेना है, और फिर टायरोसिन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, डोपा के अंदर। एंजाइम होगा टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, और फिर ये वाला जो स्टेप होता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज वाला, ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। इसके बाद जो डोपा होता है, डोपा कन्वर्ट होता है डोपामीन के अंदर। एंजाइम होता है डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज, या जिसको सॉरी डोपा डीकार्बोक्सिलेज या एरोमेटिक अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज। फिर जो डोपामीन बनता है ये ट्रांसपोर्टर के जरिए स्टोरेज वेसिकल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, और फिर जो डोपामीन होगा इस स्टोरेज वेसिकल के अंदर एक एंजाइम होगा जिसका नाम है डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ये डोपामीन को नोरएपिनेफ्रिन के अंदर कन्वर्ट करा देगा। फिर नोरएपिनेफ्रिन इस सेक्रेटरी ग्रैन्यूल के अंदर स्टोर रहती है, ओके, उस वक्त तक जब तक एक्शन पोटेंशियल नहीं आ पाता। ओके, ठीक हो गया। अब कुछ ड्रग्स जाके काम करती है, फॉर एग्जांपल जो एक मिटायरोसिन होता है वो इस टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। VMAT को ब्लॉक करने वाली आपको पता है कि कौन सी होती है, वो ड्रग जो स्टोरेज को मिनिमाइज़ कर देती है उसका नाम है रिजर्पिन। और जो नोरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूस होता है तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, और उसका मेटाबॉलिज्म करवाने वाला एंजाइम मोनोअमीन ऑक्सीडेज होते हैं, ठीक है। तो जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करने वाली कुछ ड्रग्स होती है जो कि नोरएपिनेफ्रिन के लेवल को या नोरएपिनेफ्रिन के पूल को बढ़ा देती है। फिर नोरएपिनेफ्रिन की एक्सोसाइटोसिस होती है और ये रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है। आगे इसके रिसेप्टर अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं, और इसको मेटाबॉलिज्म करने वाले दो एंजाइम होते हैं, वही मोनोअमीन ऑक्सीडेज और दूसरा होता है कैटेकोलोमेथाइल ट्रांसफरेज। अगर हम कैटेकोलोमेथाइल ट्रांसफरेज और मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे तब नोरएपिनेफ्रिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। तो ये पूरा का पूरा इसका एड्रेनर्जिक न्यूरोफैक्टर जंक्शन होता है। स्टार्ट करते हैं हम इसके प्रॉपर फार्माकोलॉजी को। तो फिर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं, और डोपामीन वाले होते हैं। जो अल्फा होते हैं अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री होते हैं, लेकिन मेनली आपने अल्फा वन और अल्फा टू पढ़ने हैं, जबकि बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री है, और डोपामीन में D1 G2 होते हैं। जो अल्फा वन होता है ये GQ से कपल्ड होता है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ। जो अल्फा टू होता है GI से कपल्ड होता है, जबकि बीटा वन, बीटा टू, D1 ये सारे के सारे GS से कपल्ड होते हैं। यानी जो टू वाले होते हैं हमेशा इनहिबिटरी होते हैं, जिस तरह M2 था वो इनहिबिटरी था, जबकि वहाँ पे M1 GQ था, यहाँ पे भी अल्फा वन GQ है। तो GQ होते हैं फॉस्फोलाइपेसी को एक्टिवेट करवा देते हैं, IP3 डैक कैल्शियम मैकेनिज्म के जरिए काम करते हैं। जो अल्फा टू है ये GI के जरिए काम करते हैं, एडिनिलाइल साइक्लेज को इनहिबिट करके साइक्लिक AMP को कम कर देते हैं, जबकि बीटा वन, बीटा टू, D1 GS के जरिए काम करते हैं, साइक्लिक AMP के लेवल को बढ़ा देते हैं। अब हम डिफरेंट रिसेप्टर को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसी से ही हमें फार्माकोलॉजी से इतना समझ आएगी कि एगोनिस्ट क्या करते हैं, एंटागोनिस्ट क्या करते हैं। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, ओके, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एक्टिवेटर के लिए एज़ कम्पेयर टू अल्फा रिसेप्टर। यानी कुछ ऐसी ड्रग होती है जो अल्फा और बीटा दोनों को एक्टिवेट करती है, फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रीन है या नोरएपिनेफ्रीन है, तो पहले वो बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाएगी, लेकिन जैसे ही डोज को बढ़ाते हैं तब अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जो डोपामीन होती है, डोपामीन पहले अपने रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, लेकिन फिर अगर हम डोज को बढ़ाते हैं तो बीटा वन पर जाके बाइंड करती है, फिर और डोज को बढ़ाती है तभी अल्फा वन पर एक्शन करना शुरू कर देती है। हम पहले स्टार्ट करते हैं अल्फा वन से। तो जो अल्फा वन होते हैं आइस में जो रेडियल डायलेटर पिपिलाई मसल होती है वहाँ पे जाके एक्ट करते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करवा के मिडरियासिस करवा देंगे। अल्फा वन आर्ट्रियोल्स स्पेसिफिकली स्किन की और विसरा की, उनकी आर्ट्रियोल पे एक्ट करने के बाद स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, जिसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। जब ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जब डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा आफ्टर लोड भी ज़्यादा हो जाएगा TPR की वजह से। ओके, वेन्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, वेन्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा और प्री लोड ज़्यादा हो जाएगा। ब्लेडर के ट्राइगोन के ऊपर स्फिंक्टर और प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी। ओके, जबकि पैरासिम्पैथेटिक टेट्रूजर की कॉन्ट्रैक्शन और ट्राइगोन और स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन करवाता था। मेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर भी अल्फा वन पड़े हुए होते हैं, स्पेसिफिकली वास डिफरेंस के ऊपर ये जैकुलेशन करवा देता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक
रिएक्शन करवाता है लीवर के ऊपर ग्लाइकोजिनोलाइसिस द किडनी के ऊपर ही रेनिन के रिलीज को ब्लॉक कर देते हैं। जो अल्फा टू होते हैं ये प्री भी पड़े होते हैं, पोस्ट में भी पड़े होते हैं। जो पोस्ट पे पड़े हुए होते हैं वो अल्फा वन जैसा बिहेव करते हैं। ओके ठीक हो गया, यानी वो भी स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। लेकिन जो प्री जंक्शनल पड़े हुए होते हैं या न्यूरो ट्रांसमीटर की रिलीज को ब्लॉक करवा देते हैं और नोरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस को भी ब्लॉक करवा देते हैं। कुछ अल्फा टू रिसेप्टर प्लेटलेट के ऊपर पड़े हुए होते हैं तो वहाँ पे एग्रीगेशन करवा देते हैं। कुछ अल्फा टू रिसेप्टर पैनक्रियास के ऊपर पड़े हुए होते हैं तो वहाँ पे इंसुलिन की सिक्रीशन को ब्लॉक कर देते हैं। अब बारी है बीटा वन की। जो बीटा वन होते हैं ये हार्ट की एस नोड के ऊपर पड़े हुए होते हैं तो वहाँ पे ये हार्ट रेट को बढ़ा के पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपी करवा देते हैं। ए वी नोड के ऊपर पड़े हुए होते हैं जहाँ पे कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाने के बाद पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपी करवा देते हैं। और तीसरा एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मसल, वहाँ पे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा के पॉजिटिव इनोट्रॉपी करवा देते हैं। इनकी वजह से कंडक्शन वेलोसिटी, कार्डिक आउटपुट और ऑक्सीजन कंजप्शन सब की सब ज़्यादा हो जाती है। हीज और परकिंजी सिस्टम के ऊपर ऑटोमेटिसिटी को बढ़ा के कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं। किडनी के ऊपर रेनिन की रिलीज को बढ़ा देते हैं। तो सारा बीटा वन का फंक्शन था हार्ट के ऊपर और किडनी के ऊपर। जो बीटा टू होते हैं मोस्टली नॉन इनर्वेटेड होते हैं, मतलब अगर आप इनडायरेक्ट ड्रग यूज करते हो तो तब किसी काम की नहीं होती, डायरेक्ट यूज करोगे तब ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। जैसे ब्लड वेसल्स के ऊपर ये वैसोडायलेशन करवाते हैं, वैसोडायलेशन की वजह से टीपीआर कम हो जाएगा, डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाएगा, आफ्टर लोड कम हो जाएगा। न्यूट्रस के ऊपर रिलैक्सेशन करवा देते हैं, यहाँ पे एक मैंने वर्ड लिखा हुआ टोकोलिटिक। ब्रोंकियोस की डायलेशन करवा देते हैं, स्केलेटल मसल के ऊपर ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ा देते हैं, जबकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस पे लीवर वाला भी था ठीक है, लेकिन वो लीवर था, ये स्केलेटल मसल है, वैसे लीवर यहाँ पे भी आ गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। और पैनक्रियास के ऊपर इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ा देते हैं, जबकि अल्फा टू वाले मिनिमाइज कर देते हैं। जो बीटा थ्री होते हैं डेड ट्यूसर के ऊपर पड़े हुए होते हैं और एडिपोसाइट के ऊपर पड़े हुए होते हैं, वहाँ पे ये लाइपोलाइसिस करवा देते हैं और ये डेड ट्यूसर मसल की रिलैक्सेशन करवा देते हैं। जबकि स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन करवाना, ट्राइगोन की कॉन्ट्रैक्शन करवाना अल्फा वन के जिम्मे था। जो डी वन थे जो पेरिफेरल सर्कुलेशन के ऊपर पड़े हुए होते हैं, स्पेसिफिकली रीनल, मेसेंटेरिक और क्रोनरी वेस्कुलेचर के ऊपर पड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पर वैसोडायलेशन करवा देते हैं, स्पेसिफिकली किडनी के ऊपर, तो ये रीनल ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं, तो जीएफआर बढ़ जाएगा और सोडियम की सिक्रीशन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। कहते हैं कि डोपामीन को हम शॉक में यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर। तो जैसे ही डोज को बढ़ाते हैं तो फिर डोपामीन का एक्शन डी वन से लेकर अल्फा वन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जो फिनोल डोपाम होती है ये डी वन एगोनिस्ट होती है, तो ये सीवियर हाइपरटेंशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जबकि डोपामीन को हम यूज़ करते हैं हार्ट फेलियर के अंदर, वो भी एक्यूट वाले केस के अंदर, डोपामीन, डोब्यूटामीन आपने पढ़ा होगा, और इसके अलावा कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर यूज करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं सिंपैथोमिमेटिक। तो सिंपैथोमिमेटिक होती है दो टाइप की होती है, ओके दो टाइप की सिंपैथोमिमेटिक होती है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्टली होती है वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है, लेकिन जो इनडायरेक्ट होती है न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को या फिर इनकी रिअपटेक को ब्लॉक कर देती है। तो जो डायरेक्ट होती है अल्फा वन, अल्फा टू एगोनिस्ट, बीटा एगोनिस्ट। तो जो अल्फा वन एगोनिस्ट होते हैं ये सिस्टमिकली, जो अल्फा वन एगोनिस्ट होते हैं ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं वाया वैसोकंस्ट्रिक्शन। लेकिन जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया चलेगा। कार्डिक आउटपुट कम भी हो सकती है, लेकिन कार्डिक आउटपुट ऑफ सेट हो सकती है बाय इंक्रीज वीनस रिटर्न, ठीक है। अब कार्डिक आउटपुट क्यों कम हो रही थी, ड्यू टू रिफ्लेक्स बैरोसेप्टर। लेकिन जब आप वीनस रिटर्न वगैरह करवा देते हो तो इसकी वजह से कार्डिक आउटपुट क्या हो सकती है, सही बेहतर हो सकती है। कौन कौन सी ड्रग होती है, जो फिनाइलएफरीन होती है अल्फा वन के लिए स्पेसिफिक होती है, ठीक है। जो नोरएपिनेफ्रिन होती है अल्फा वन अल्फा टू दोनों में जाके बाइंड कर देती है। तो जो फिनाइलएफरीन है ये नेजल डीकंजेस्टेंट एजेंट होता है, ऑप्थल्मोलॉजी के अंदर यूज करते हैं, ये मिडरियासिस करवा देता है विदाउट एनी साइक्लोप्लीजिया, और इसके अलावा हाइपोटेंसिव स्टेट के अंदर ये यूज होता है। तो अगर अल्फा वन रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो फिर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, और जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया होगा, और रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया की वजह से ठीक है आगे हार्ट रेट कम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि कोई चेंज नहीं होती पल्स प्रेशर के ऊपर, ओके पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का क्या होता है, इनका डिफरेंस होता है, तो कोई इतना खास चेंज नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट आ जाते हैं अल्फा टू एगोनिस्ट। तो अल्फा टू एगोनिस्ट प्री जंक्शनल रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवा के सिंपैथेटिक आउटफ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा, ये तो हम एंटी हाइपरटेंसिव टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। जो बीटा एगोनिस्ट होते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, जो बीटा एगोनिस्ट होते हैं ये ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं वाया वेजो डायलेशन, और इसके अलावा हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। तो वेजो डायलेशन की वजह से क्या चलता है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया चलेगा। तो बीटा वन की वजह से, अगर बीटा वन की बात करते हैं ठीक है, तो बीटा वन की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ओके और ये तो डायरेक्टली बढ़ेगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा कार्डियक आउटपुट की वजह से, और पल्स प्रेशर ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है ओके।
क्योंकि वहाँ से स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन बीटा टू यूज़ करेंगे तो बीटा टू की वजह से TPR क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब TPR कम हो जाएगी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो रिफ्लैक्स टैकीकार्डिया चलेगा, यानी जो टैकीकार्डिया दोनों केस में हो रहा है बीटा वन में और बीटा टू, लेकिन बीटा वन में डायरेक्ट होता है और बीटा टू में इंडायरेक्ट हो रहा है। और ड्रग कौन कौन सी यूज़ होती है, आइसोप्रोटीरानोला जो बीटा वन बीटा टू दोनों पर जाकर बाइंड करती है, दो ब्यूटामिन बीटा वन पर जाकर बाइंड करती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं, बीटा टू एगोनिस्ट जो सिलेक्टिव होती है जिनको साबा लाबा बोलते हैं, तो ये अस्थमा में इस्तेमाल होती है जो टर्नब्यूटालिन या प्री मेच्योर लेबर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और जो सिलेक्टिव बीटा थ्री एगोनिस्ट है फॉर एग्जांपल मिराबेग्रोन, ये इस्तेमाल होती है ओवर एक्टिव ब्लेडर के अंदर, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, क्योंकि ब्लेडर के ऊपर ये रिलैक्सेशन करवा रहे थे तो ओवर एक्टिव ब्लेडर को रिलैक्स करवाने के लिए मिराबेग्रोन यूज़ करते हैं। अब है मिक्सड एक्टिंग एगोनिस्ट नोरएपिनेफ्रिन वर्सेज एपिनेफ्रिन। अब जो नोरएपिनेफ्रिन होती है अल्फा वन अल्फा टू और बीटा वन इसको सिर्फ स्टिमुलेट करवा रहा है, अल्फा वन की वजह से TPR बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, बीटा वन की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से फाइनली पल्स प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, और आपको पता है कि जब पोटेंशियल रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया भी देखने को मिल सकता है जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा अल्फा वन की वजह से, लेकिन बीटा टू पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता इसका नोरएपिनेफ्रिन का। अब हम चलते हैं एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन ने सारे रिसेप्टर को इक्वली स्टिमुलेट करवाना है। स्पेसिफिकली अगर हम बीटा को देखते हैं तो बीटा ज़्यादा आ जाएगा तो बीटा वन हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा, पल्स प्रेशर ज़्यादा, और बीटा टू की वजह से TPR कम और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। ओके, तो ये लोअर डोज एपिनेफ्रिन था, लेकिन अगर जैसे जैसे हम डोज को बढ़ाते रहते हैं तब अल्फा वाले एक्शन भी देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक कि अगर हमने डोज को बढ़ाया मीडियम कर दिया तब आपको अल्फा वन एक्शन भी देखने को मिल रहा है जिसमें TPR और BP बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने और ज़्यादा बढ़ा दिया तब TPR और BP ये सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर गया और इस केस में पोटेंशियल रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया चलेगा अल्फा वन की वजह से। ओके, तो जो एपिनेफ्रिन यानी कि आपको एपिनेफ्रिन के किस टाइप के एक्शन देखने को मिलते हैं, डोज डिपेंडेंट एक्शन देखने को मिलते हैं। ओके, लोअर डोज में बीटा वन बीटा टू की स्टिमुलेशन होगी और हाई डोज में अल्फा वन की ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टिमुलेशन होगी। बीटा टू के स्पेसिफिक इफेक्ट को देख लेते हैं, तो जो बीटा टू होती है यह स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवा देती है, लाइक ब्रोंकियोस की, यूट्रस की और ब्लड वेसल की। मेटाबॉलिक इफेक्ट भी बीटा टू की वजह से हो सकते हैं, लाइक ग्लाइकोजिनोलाइसिस ऑफ मसल और लीवर में, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, मोबिलाइजेशन एंड यूज ऑफ फैट, ये भी बढ़ जाएगा। अब ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि आपने हाई डोज एपिनेफ्रिन लिया या नोरएपिनेफ्रिन लिया, क्योंकि दोनों जैसा बिहेव कर रहे थे, तब हम क्या करेंगे एपिनेफ्रिन रिवर्सल फिनोमिना को देखेंगे। ओके, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अल्फा वन ब्लॉकर लेंगे हाइपोटेंशन को रिवर्स करने के लिए, यानी आप हाइपोटेंशन को हाइपोटेंशन में कन्वर्ट करा दोगे, यानी अगर किसी पेशेंट ने एपिनेफ्रिन लिया होगा तो इसकी वजह से एपिनेफ्रिन रिवर्सल फिनोमिना देखने को मिलेगा और इसमें जो हाइपरटेंशन होगी वो हाइपोटेंशन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जो हाइपरटेंशन होती है वो अल्फा वन टोन की वजह से ज़्यादा होती है वैस्कुलेचर में, और हाइपोटेंशन हो जाती है फ्रॉम अनमास्किंग बीटा टू रिसेप्टर। तो आप हाई डोज एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, अल्फा वन ब्लॉकर, स्पेसिफिकली फिनोक्सीबेंजामिन फेंटोलामीन, और इसकी वजह से होगा क्या, हाइपरटेंशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइपरटेंशन में, क्योंकि हाइपरटेंशन अल्फा वन की वजह से होती है और हाइपरटेंशन अनमास्किंग बीटा टू की वजह से होती है। जब आपने अल्फा ब्लॉकर यूज़ किया था तो उसने हाइपरटेंशन को तो खत्म कर दिया लेकिन हाइपरटेंशन को मिनिमाइज नहीं किया जो कि बीटा टू की वजह से होता था। अब एंड यूजेस ऑफ नोरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, जो नोरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के यूजेस होते हैं, लाइक ये कार्डिक अरेस्ट में यूज़ होते हैं, लोकल एनास्थेटिक में यूज़ होता है एपिनेफ्रिन, हाइपोटेंशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, एनाफिलैक्टिक शॉक के अंदर एपिनेफ्रिन इस्तेमाल होता है, अस्थमा में भी एपिनेफ्रिन इस्तेमाल होता है, जबकि नोरएपिनेफ्रिन न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो जो इनडायरेक्ट होती है ओके उसके वो दो टाइप की होती है, रिलीजर और रिएप्टिक इनहिबिटर। जो रिलीजर्स होती है इसके अंदर ईटा वाला म्यूमोनिक याद रखना है, सुडाइफिल्ड्रिन है, एम्फिटामीन है, टेरामीन है। तो जो रिलीजर्स होते हैं ये नोरएपिनेफ्रिन को डिस्प्लेस करवा देते हैं मोबाइल पूल से। अब इनका ड्रग इंटरेक्शन होता है, लाइक अगर आप टेरामीन को मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ मिला के ले लोगे तब आपको हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि जो इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं ये उन इफेक्टर टिश्यू पर जाके बाइंड करते हैं जिनको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट करता है। ओके, जिनको इनर्वेट करता ही नहीं है, जो डीनर्वेटेड होते हैं उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं होगा। ओके, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो ब्लड वेसल्स होती है उसके ऊपर अन इनर्वेटेड मस्कुलिनिक रिसेप्टर होते हैं। अब जो टेरामीन होती है, टेरामीन की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है मोनोअमीन ऑक्सीडेज टाइप वन मेटाबॉलिज्म, क्योंकि टेरामीन को भी तोड़ने वाला एंजाइम मोनोअमीन ऑक्सीडेज होता है, लेकिन अगर आप इनहिबिटर ले लेंगे तब इसका मेटाबॉलिज्म कुछ ज़्यादा हो जाएगा और हाइपरटेंसिव क्राइसिस होना शुरू हो जाएगा। ओके, एम्फिटामीन
जो होता है मिथाइल फनिडेट और एम्फेटामिना, ये नार्कोलेप्सी को और अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये साइको स्टिमुलेंट होती है क्योंकि डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देगी और हमारे मूड की एक्साइटेशन करवा देगी। तो सुडोइपिनेफ्रिन है कोल्ड मेडिकेशन है, हमारे घर में एक सिरप है जिसका नाम है एरिनेक, आप खुद भी चेक कर लेना, उसके ऊपर लिखा होगा सुडोइपिनेफ्रिन। नेक्स्ट है रिअपटेक इनहिबिटर। तो रिअपटेक इनहिबिटर ब्लड हुआ पड़ा है, तो रिअपटेक इनहिबिटर के अंदर कोकीन और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आता है, उनको रिस्पेक्टिव चैप्टर में देख लेंगे। अब इसके बाद है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, मैंने थोड़ा सा इन पर काम किया हुआ था, जब भी आपको नजर आ रहा होगा मेरा फॉर्मल। तो जो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट होते हैं कुछ अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर है, कुछ बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर है। तो जो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं, तो ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवा सकते हैं और साल्ट वाटर रिटेंशन करवा सकते हैं। जो टैकीकार्डिया होता है बैरल रिसेप्टर और साल्ट वाटर रिटेंशन, ये चलता है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से। इसके मेजर यूजेस क्या होते हैं, लाइक हाइपरटेंशन है, फियोक्रोमासाइटोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है ये फिनॉक्सीबेंजामिन वगैरह, और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया स्पेसिफिकली अल्फा वन सेलेक्टिव ब्लॉकर यूज होते हैं। और इसके अलावा जो ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं जो सेलेक्टिव होते हैं, सॉरी नॉन सेलेक्टिव के अंदर जो इरिवर्सिबल होता है, तो उसके अंदर फिनॉक्सीबेंजामिन और रिवर्सिबल के अंदर फेंटोलामिन और टोलाजोलिन आ जाती है। सेलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर के अंदर पिराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन, टेमसालोसिन आ जाएगा, जबकि अल्फा टू के अंदर मिरटाजापिन आ जाएगा जो कि एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और यूएमबिन भी आता है जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर। तो जो बीटा ब्लॉकर होते हैं ये हार्ट रेट को कम कर देते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को कम कर देते हैं, कार्डियक आउटपुट को कम कर देते हैं, रनिन के रिलीज को ब्लॉक कर देते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम बीटा ब्लॉकर को एस्थमा वाले पेशेंट में दे देंगे तो ये ब्रोंकोस्पैज़म प्रेसिपिटेट करवा देगा, या वेसोस्पास्टिक एंजाइना में दे देंगे तो ये वेसोस्पाज़म करवा देगा, डायबिटीज मेलिटस वाले पेशेंट में दे देंगे तब ये हाइपोग्लाइसीमिया के साइन सिम्पटम को मास्क कर देगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है कि जो एसबुटालोल होता है, एटीनालोल है, मेटाप्रोलोल है, पिंडालोल है, प्रोपेनालोल है, टिमालोल है, इनके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है बीटा ब्लॉकर और अल्फा ब्लॉकर के क्लिनिकल यूजेस, आप वो वीडियो को देख लेना अच्छे तरीके से, आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी क्योंकि वो नोट्स के ऊपर बेस्ड है और यहाँ पे आपको सही तरह नज़र भी नहीं आ रहा होगा, समझ भी नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ असल में क्या है, ठीक है। तो आप वो नोट्स वाली वीडियो देख लेना ज़रूर, ये कहाँ पे मिलेगी आपको, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी ANS फार्माकोलॉजी की। तो प्लीज़ ANS फार्माकोलॉजी प्लेलिस्ट और सर्च में लिखना ग्रेस, तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।